सहरा दोस्तों वेलकम बैक। आज वन ऑफ द बेस्ट बजट एएनसी ईयरबड तुम्हारा भाई ला चुका है और ये पीट्रॉन ZenBuds 1 भाई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया और एक क्लासी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रिपल कलर कमाल लग रहा है देखने में, आप लुक देख सकते हो भाई, लुक्स में बहुत ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर आपको 28 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल रहा है इसके बर्ड्स में, और आप चाहो तो इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ करोगे तो नॉर्मल ईयरबड जैसा रहेगा और ऑन करोगे तो 28 dB का नॉइस कैंसिलेशन। लेकिन हाँ, इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करने से क्या होता है, सराउंडिंग का नॉइस भी कानों में आता है, लेकिन वो फीचर्स इसमें नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी नॉर्मल एएनसी ईयरबड्स में होते हैं। और अंदर फीचर देखे तो भाई 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है, तो भाई कनेक्टिविटी इशू नहीं है। साथ ही में एसी ब्लूटूथ कोड भी सपोर्ट करता है, जिस वजह से कमाल का साउंड एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। और इसमें आपको क्वाड माइक देखने को मिल रहा है, एक एक बर्ड में ड्यूल माइक इस्तेमाल कर रखा है, जिस वजह से गेमिंग के टाइम और कॉलिंग के टाइम कमाल का माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। वैसे हम लोग भी इस पे नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट करेंगे। और 45 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी भी है, जिस वजह से भाई गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और सुनिए, 60 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक है, साथ ही में फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिसके हेल्प से 10 मिनट चार्ज करके 200 मिनट का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और 13mm का लास्ट ड्राइवर है फॉर बेटर बेस, IPX5 का वाटर रेटिंग है। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपको टोटल 3 कलर्स में अवेलेबल मिल रहा है, तीनों में ही आपको ट्रिपल कलर देखने को मिल जाएगा। मैंने ग्रीन ऑर्डर किया क्योंकि भाई मुझे ग्रीन ज्यादा कूल लगा। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो ऐसे दिखता अपने प्रोडक्ट का बॉक्स, ऊपर आपको पीट्रॉन का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नीचे इन्होंने अपने कुछ की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है और ZenBuds 1 को प्रिंट किया। और बॉक्स के सराउंडिंग में सिर्फ की फीचर्स है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट कर रखा है। इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है। और पीछे की तरफ ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, MRP प्राइस 3999 रुपीज। वाह बताओ। तो चलिए डब्बे को खोल लेते हैं। तो इसके अंदर मुझे सिर्फ एक ही पेपर वर्क देखने को मिला, इसके पीछे आपको 2 QR कोड देखने को मिल रहा है, एक है यूजर मैनुअल डाउनलोड करने का, दूसरा है वारंटी रजिस्टर करने का। 1 ईयर का वारंटी है और पेपर वर्क में ज्यादा पकाया नहीं है, सिर्फ एक ही पेपर दिया है। और एक्सेसरीज में क्या है, यह है टाइप सी चार्जिंग केबल, क्वालिटी काफी बढ़िया है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा है। और यह है 2 जोड़ी 8 टिप्स लार्ज एंड स्मॉल मीडियम साइज का बर्ड्स में लगा है। और अभी क्लोज लुक केस की तरफ, भाई केस का लुक काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको ट्रिपल कलर देखने को मिल रहा है, जो कि भाई बहुत ज्यादा क्लासी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। और भाई मैट कलर का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको पीट्रॉन का ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है पट्टे के ऊपर, और साइड में उन्होंने एक LED फिट कर रखा है, ये है बैटरी नोटिफिकेशन बोले तो, जब बर्ड चार्ज होगा या केस चार्ज होगा तब ये लाइट जलेगा, नहीं तो ऑफ रहता है। चार्जिंग इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर आपको इसके केस में नहीं मिल रहा है। और ऊपर के साइड ग्रॉसी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रखा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है और हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट भी है। और नीचे के साइड है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, पीछे के साइड कुछ नंबर्स को प्रिंट कर रखा है और पीछे के साइड भी एकदम सिंपल रखा है। और आप केस का ऑल ओवर लुक एंड शेप देख सकते हो भाई, थोड़ा सा बल्की है, जिस वजह से जींस के साइड पॉकेट में इजीली एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल पॉकेट में भी ज्यादा जगह नहीं लेगा क्योंकि थोड़ा सा मोटा है। आप देख सकते हो मेरे मुट्ठी भर के अंदर सही से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बल्की बल्की सा लग रहा है। और कैप का मैग्नेटिक इफेक्ट काफी अच्छा है, ना बहुत ज्यादा लूज ना बहुत ज्यादा टाइट, जिस वजह से पूरी तरह से वन हैंड यूजेबल है ये प्रोडक्ट। आप इजीली एक हाथ से केस खोल सकते हो, बर्ड्स निकाल सकते हो, बर्ड्स को दोबारा अंदर रख सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका बर्ड्स थोड़ा स्लिपरी है, जिस वजह से भाई स्टार्टिंग में बर्ड्स इजीली निकलता नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे यूज टू इट हो जाओगे। और केस खोलने के बाद जो लुक है ना भाई, वाओ, ये भी बहुत सही लग रहा है देखने में, काफी अच्छा है। और अभी क्लोज लुक बर्ड्स की तरफ, सो बर्ड्स का लुक काफी अच्छा है, यहाँ पर आपको पीट्रॉन का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहीं पर ही आपको 2 होल देखने को मिल रहा है। ऊपर जहां पर लाइट चल रहा है यहाँ पर एक माइक फिट कर रखा है, और नीचे एक और होल है यहाँ पर फिट कर रखा है इन्होंने दूसरा माइक, तो इसमें आपको डुअल माइक देखने को मिल रहा है। और ये भाई लाइट अभी जल रहा है, कनेक्ट होने के बाद ऑफ हो जाएगा, अभी कनेक्टेड नहीं है। और ऊपर एक और होल दे रखा है, ये ANC के लिए है। और आप ऑल ओवर बर्ड्स का लुक देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और एक क्लासी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे के साइड है मैट कलर और पीछे के साइड है ग्रॉसी कलर, भाई ये बर्ड्स सही में प्रीमियम है, इसका कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, और इसका टच का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। और अभी फंक्शन देखे तो सिंगल टच से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक कॉल एंड कर सकते हो। और कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको 3 सेकंड लॉन्ग टच करना पड़ेगा दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे, और जब कॉल नहीं आ रहा होगा तब आप 3 सेकंड लॉन्ग टच करो ANC को ऑन ऑफ करने के लिए। वॉइस असिस्ट एक्टिव करने के लिए राइट बर्ड्स पे 4 टच करना है, गेम मोड और म्यूजिक मोड के बीच स्विच करने के लिए 4 टच करना है लेफ्ट बर्ड्स पे। नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको डबल टच करना है, वॉल्यूम अप डाउन के लिए ट्रिपल टच करना है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि बर्ड्स इसके अंदर उल्टा करके अगर आप झटका मारोगे तो भाई नहीं गिरता है, बर्ड्स का मैग्नेटिक इफेक्ट काफी अच्छा है। अभी सुनते हैं बजता है क्या, भाई बहुत जोर जोर से बजता है, खटर खटर खटर। तो भाई फिटिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन
अगर इसके यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई इसका यूजर एक्सपीरियंस काफी बढ़िया, पूरा दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके कानों में किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होगा। इसका फिटिंग भी जबरदस्त है, जिस वजह से आप इसे पहन के धीरे जॉगिंग भी करोगे ना तब भी आपके कानों से नहीं गिरेगा, जिमिंग के लिए भी ये परफेक्ट है। और इसका टच का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया, हमेशा रिस्पॉन्स करता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता, तो टोटल यूजर एक्सपीरियंस काफी बढ़िया लगा मुझे इसका। और हाँ, 28 dB का नॉइस कैंसलेशन इन्होंने बोला है, और भाई वो सच में दिया है इन्होंने, मजाक नहीं किया है, इस बार जो बोला है वो सही में दिया है, तो भाई काफी बढ़िया लगा मुझे। और इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई साउंड एक्सपीरियंस जबरदस्त है, क्योंकि वोकल्स एकदम क्लियर एंड लाउड है, और जैसा आवाज एकदम वैसा ही डिलीवर करता है, वोकल्स में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर रखा। और ट्रिबल छनकार भी काफी सॉफ्ट ट्रिबल आपको है सुनने को मिल रहा है, मस्त कानों में छन छन सा मारता है, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। और रही बात बेस का, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा हाई पावर बूम बंची बेस सुनने को मिल रहा है, मस्त इसका बेस कानों में बूम बूम सा मारता है भाई, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, एकदम सॉफ्ट पंची बेस है। सो भाई अगर आप म्यूजिक लवर्स हो तो ये आपको लेना ही चाहिए, म्यूजिक एक्सपीरियंस जबरदस्त है। और 90% के ऊपर इसमें आपको डिस्टॉर्टेड आवाज भी सुनने को नहीं मिल रहा है, और की अच्छी है दोस्तों। और लाउडनेस भी पूरा सेटिस्फाइड लाउडनेस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, लाउडनेस भी काफी बढ़िया है। और चलिए अभी गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और इसका मैंने गेम मोड ऑन कर रखा है, रिकॉर्डिंग भी चालू, अभी देखते हैं भाई लो लेटेंसी कैसा है। और अप्रॉक्स मेरा 60-70 का पिंग कर रहा है, अभी कितना आ रहा है 52 देख सकते हो, काफी बढ़िया है। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं। अभी स्लो मोशन में देख लेते हैं एक बार, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि लो लेटेंसी ठीक ठीक है, एकदम बेस्ट नहीं बोल सकते लेकिन एवरेज है, आप इसमें गेमिंग कर सकते हो फन के लिए अगर आप गेमिंग करते हो तो। अगर आप प्रो टाइप के गेमर्स हो तब तो भाई ये आपके लिए नहीं है। साउंड का डिले आता है लेकिन बहुत ज्यादा कम आता है जैसे कि आपने देखा। तो चलिए अभी एक माइक परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पीटर है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन है जो कि हल्का सा नॉइस है, अगर इस नॉइस को रिड्यूस कर रहा है मतलब भाई सीलिंग फैन के नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर सकता है। वैसे इसमें आपको क्वाड माइक देखने को मिल रहा है, और वो भी ENC नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो चलिए अभी एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसलेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास हेड है जो कि काफी ज्यादा नॉइस है, आप देख रहे हो मेरे पास उड़ रहा है, और अभी आप सुनो कि इस नॉइस में कैसा मैं एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है। और दोस्तों ये था साइड नॉइस कैंसलेशन, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, इंडोर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, साउंड को एकदम क्लियर तरीके से ऑल आउट तरीके से ग्रैब कर रहा है, क्वाड माइक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, लेकिन भाई नॉइस कैंसलेशन कुछ खास नहीं है, एवरेज बोलूंगा मैं। साइड नॉइस कैंसलेशन को रिड्यूस कर पा रहा है लेकिन सामने के नॉइस को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। और हाँ, नॉइस के चक्कर में वोकल्स थोड़ा सा ना लो हो जाता है, जिस वजह से भाई ये इंडोर यूज करने के लिए बेस्ट है, आउटसाइड यूज करने के लिए कुछ खास नहीं है, एवरेज बोलूंगा मैं। सो अभी बात करें क्या ये आपको लेना चाहिए, नहीं, 999 का प्रोडक्ट है लेकिन भाई लुक्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम बना है, ट्रिपल कलर कमाल लग रहा है देखने में, और भाई पीट्रॉन ने इस बार कुछ अलग किया है जिस वजह से बेस्ट है, और भाई साउंड एक्सपीरियंस भी कमाल का है, और क्या चाहिए 999 में। बैटरी परफॉर्मेंस देखिए तो उन्होंने कहीं पर भी शेयर नहीं किया है कि इसके बर्ड्स में और इसके केस में कितने एमएच का बैटरी फिट है, और इसका बर्ड्स मुझे 100% वॉल्यूम में 5 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है, और इसके केस के हेल्प से मैं इसके बर्ड्स को 4 बार फुल्ली चार्ज कर पा रहा हूं। सो 5+20 टोटल 25 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 100% वॉल्यूम में, और 50% वॉल्यूम में इजीली 50 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो इसका बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, और केस का चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2 आवर्स 10 वॉट चार्जर से, और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 वॉट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग चलेगा। और हाँ दोस्तों इन्होंने IPX5 का वाटर रेटिंग दे तो रखा है लेकिन भाई ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है, बोले तो हल्का फुल्का पानी लग गया तो कुछ नहीं होगा, गीला हाथ लग गया, पसीना लग गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई आप इसे पहन के नहा नहीं सकते हो, और अगर पानी में गिर गया तब भी भाई ये खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, और पानी से थोड़ा सावधानी से ही आप इसका इस्तेमाल करना। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में।